कैसे हैं तमाम लोग। आज हमारा प्लान है जनाब तरबेला का, और तरबेला का प्लान क्यों है, यू कैन से कि 26 ईयर का लास्ट डे सेलिब्रेट करना या 27th बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। राइट नाउ आई हैव टू पिक माय ड्रेस और हमजा भाई इज गोइंग टू ड्राइव जी। तो अभी हम निकलने लगे हैं और बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रिच जाए, देन वी विल गो। पेट्रोल हो गया डन। कौन सी गलती की सर? वो भी ठीक करवा के ले आना, कह रहा था जब पेट्रोल डलवाना तो गैस की पिक्चर ला के देना, ठीक होगी। ये मौजूद है तरबेला फन लैंड पे, एंड इनका जनाब राहत कैफे भी है और जबरदस्त सिटिंग एरिया भी है। वापसी पे हम देखते हैं, टाइम हुआ तो देखेंगे। ये है जी इनका तरबेला मार्ट। जी हाँ, अब हम तरबेला मार्ट से निकले हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं, SST हेड ऑफिस हम जा रहे हैं और वहाँ से हमने किसी को पिक करना है और फिर हम क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। पहले हम आए हैं SSG के हेड ऑफिस, यहाँ से जो है वो हम जा रहे हैं अब तरबेला की तरफ और फिर आपको वहाँ का दिखाएंगे क्या सीन है। और ये जनाब आर्मी की स्पेशल परमिशन के साथ हम लोग जा रहे हैं तरबेला की तरफ। आगे आगे जो है वो आर्मी की जीप है, पीछे जो है वो मेरे कुछ कोलीग्स हैं और उससे पीछे गाड़ी है हमारी जिसमें हमारे सारे फैमिली मेंबर्स हैं। जी हाँ जनाब, अब हम एंटर हो चुके हैं और तरबेला डैम की तरफ जा रहे हैं, प्लस हम वो जगह भी देखेंगे जहाँ पर कमांडोज की ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहुँच चुके हैं और कोरोना SOPs के तहत मास्क ज़रूरी है। और ये बेसिकली जो है ये बोर्डिंग क्लब है, यहाँ पर जो है बोर्डिंग वगैरह होती है। ये तरबेला का जो मेन डैम का जो बंद है वो सामने है। अच्छा। ये उसका जो दूसरा जो तरबेला गाजी बरोथा कैनाल का जो ये झील है। अच्छा। सो इन अदर वर्ड इज तरबेला लेक। ओके। तो अगर अभी हम इंशाल्लाह इस पे अभी वो करते हैं अपना वो बोटिंग वगैरह करवाएंगे तो उसमें बोटिंग होगी। यहाँ तो वो शेर बनता है, मैं तुम और एक कप चाय। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट बर्थडे है, सीरियसली। एंड अभी हम बोटिंग भी करेंगे। व्लॉग बना रहे हैं, हम भी अपने चैनल के लिए व्लॉग बना रहे हैं। इनका चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किस नेम से? मेहरोज अली खान। मेहरोज अली खान, अगर आप हंसना चाहते हैं वैसी बातों पर। हाँ। जबरदस्त है। वो पीछे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बोटिंग करेंगे, देन देखते हैं नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। एंड हियर इज माय बेबी, वेयर वी आर यू एंजॉयिंग? यस। पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये आगे की तरफ चल ना पड़े, लेकिन इट्स नॉट मूविंग। ये वाला? नो, वो बोर्ड सामने खड़ी है। इसमें बैठना है? अच्छा अच्छा, ओके। ये आयत लिखी हुई, हम वहाँ तक जाएंगे अभी बोर्ड पे। आपको जख्मा दिखा सकते हैं, हमको ठीक हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक रोड है, ये ऊपर जो है ना वो सामने कमरे से नजर आया, ये रोड है, इसकी उस साइड पे मेन झील है। अच्छा। हमारी आप कह ले वो ग्लेशियर के साथ जो वो चाइना के साथ बड़ी पानी है, नजर नहीं आएगा आपको, पानी ही पानी है लेकिन ठंडा पानी है। ये सारा बर्फ का पानी है ना जो अभी आजकल हो रही है ना। तो ये भी बोट्स तैयार हो रही हैं, उसके बाद हम बैठेंगे बोट में और हम जाएंगे वो जहाँ तक आयत लिखी हुई है, हम उसको जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। दो चॉइसेस हैं, एक बोट जो है वो बिल्कुल सही वाली है और दूसरी जो है वो है जो SSG कमांडो स्पेशली तौर पे यूज करते हैं। एंड ये सारे कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है मैं ब्लैक वाली बोट में नहीं बैठूंगी, लेकिन सीरियसली मैं उसमें बैठना चाहती हूँ। वो आगे से उठाई जाती है, उससे ज्यादा एंजॉयमेंट है।
बिल्कुल रेडी हो गए और अभी हम बोट में बैठने लगे। मैंने वही ब्लैक वाली बोट चूज किया है। आपको बताओगे। रेडी टू गो। आज ट्रिबेला का विजिट मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है और ये मेरे ख्याल से जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। गुड एंड ग्रेट इज सेम एंड थैंक्स टू द स्टाफ एज वेल। या तो सही से पता नहीं है। जनाब बहुत एंजॉय किया। आप खोलें गाड़ी। अभी हम वहां पहुंच गए जहां इनकी ट्रेनिंग होती है, वो हम आपको दिखाते हैं। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी फौजी बन जाऊं। है ऐसे जी हुआ। जीप में बैठने का शौक इसलिए भी था कि हमारे दिलों में बचपन से ही पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत डाली जाती है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और वो सारे पाकिस्तान आर्मी में और अपने मुल्क पे जो है वो कुर्बान हो जाएं। आगे जनाब मजा आ गया सीरियसली। अभी कहाँ जा रहे हैं नो आइडिया, आगे चल के पता चलेगा। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जो है वो एंजॉय करनी चाहिए बिकॉज यू डोंट नो कि कल क्या होने वाला है। इबादत बन ही गया खुद आ गए। यहाँ पे एक बड़ा हॉरर सा दरख्त है, देखें। आगे सीन ये है जनाब, कर सकते हैं कि मेरे बिहाइंड जो है वो कौन सा पौधा है। बच के मुझे गुजरना है और अब कैमरा संभालूंगी ये क्या सीन होगा। चलें जी देखते हैं। बच के जो आप रात को मुझे डालो। चलो 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 डालो पानी मामू के ऊपर। आप भी डालो डालो ऐसी टांगों से को यस ऐसे 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 डालो मामू के ऊपर। पानी डालो मामू के ऊपर। जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये कहते हैं कि ये पंप हाउस था और इटली वालों ने बनाया था। अब क्वेश्चन ये था कि इसका पेंट बड़ा फ्रेश है, वो भी इटली वालों ने किया था। जिंदगी में सबसे ज्यादा गर्मी एंजॉय की है ये रॉ सिल्क का ड्रेस पहन के और ये सनी डे। ना अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं और प्लेस बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेट्स सी क्या है सीन। नीचे खड़ी है ये रख सकता।
हमने खा लिया है, अब डोंट नो नेक्स्ट प्लान क्या है, बिकॉज सब कुछ ही सरप्राइज है। लेट्स सी। चुके हैं जनाब राहत कैफे तरबीला मार्ट, और यहाँ पे भी आइसक्रीम चेक करते हैं कौन सा फ्लेवर खाना है। एंड ये जो आप कैफे देख रहे हैं ये भी इरशाद साहब का है, ये कैफे है। दूसरी साइड पे जो है वो फन लैंड है, वो डिटेल में भी हम किस दिन दिखाएंगे। कौन सी का है? स्ट्रॉबेरी। हाँ ऐसे कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। थे फिर इतना क्लासिक सेटअप किया है इन्होंने, आई रियली इंस्पायर्ड। आइसक्रीम टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी आप तरबेला जाएं तो तरबेला फन लैंड एंड कैफे एंड मार्ट जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच टू मैनेजमेंट ऑफ तरबेला मार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।